What is nice about the movie? The movie was very nice. His acting was very good. Okay. And Mike Tyson was very famous in this movie. What is the subject of the movie? क्या subject है? क्या दिखाने की कोशिश की गई है? What is the subject? What subject? Only on fight. Okay. It is on mainly on focusing on fight. Sir, rukina. Okay. That is good. What about Vijay and Anaya love equation? How was that? Love is very nice. And Vijay Deverakonda acting was very super. And Ramaya in a very special role. Who? Mother of Vijay. Yeah, Ramakrishna. And main role is only two people. Okay. And Ramakrishna and Vijay Deverakonda. So out of five stars, how many stars you want to give? Hmm? Out of five stars, how many stars you want to give? It was very fantastic. It's a one time watch or two time watch? You want to go to the second time? Yeah, okay, we can see. Thank you. बात वाट लगा देंगे क्या क्या वाट लगा देंगे क्या खास है पूरा इंडिया शेक हो जाएगा एक्शन कैसा है जबरदस्त एक्शन जबरदस्त ये देवरकोंड का एक्शन एक नंबर है माइक टायसन भूत मांगा आ गया पूरा भूत मांगा और जो पूरा उड़ उड़ के पूरा सीट पूरा फूट गया विजय और अनन्या में जो प्यार दिखाया गया वो क्या है उसका विजय और अनन्या जो एक्ट्रेस है वो एक्ट्रेस है एक नंबर का लगता है माँ के रोल में रामाया कैसी लगी आपको रामाया का उसका तो ओल्ड है लेकिन एक नंबर उसके भी एक्टर म्यूजिक पार्ट कैसा है म्यूजिक तो एक नंबर लास्ट गाना पे मेरे को एकदम अच्छा लगा थैंक यू चाला बहुत ही हूँ क्या क्या हिंदी में हिंदी बोल सकते हैं बहुत अच्छा है एक्शन कैसा है एक्शन कैसा है एक्शन भी ऑसम और रोल कैसा है क्या विजय का रोल कैसा है उसका ओके ओके टाइम पूरी जगन्नाथ का करियर में ये बोला सेकंड इनिंग्स है ऐसे फैन हाँ। अच्छा नहीं लगा पीछे बहुत स्लो है क्यों 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 बहुत स्लो है हाँ। अनन्या पांडे को लेना नहीं चाहिए मेरे भाई ओके और कुछ भी नहीं है स्टोरी कुछ भी नहीं है okay. बस फाइटिंग अच्छे है बस कमजोर फिल्म है कमजोर फिल्म है बट बहुत अच्छा है तेलुगु वाले के लिए तो साउथ के लिए बुरी बात है ना ये बुरी बात इतना बुरी बात नहीं है लेकिन अच्छे है आप बाकी बॉलीवुड गुड बैकग्राउंड भाई अच्छा है मूवी आराम से भाई आप आग लगा देंगे आवाज आग लगा देंगे एक्शन जबरदस्त मस्त है मैन जबरदस्त मस्त है म्यूजिक म्यूजिक सब गाना अच्छा ही है उसमें भाई बॉलीवुड बॉयकॉट और ये सब बॉयकॉट की बात कर रहे हो ना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शाम तक यही रुक जाएगा मूवी यही मैटी खत्म मूवी खत्म इधर ही लास्ट आज के दिन पे खत्म हो गए कल तो क्या क्या कर दोगे खोल के बोलो ना क्या क्या एक्शन है कुछ बेकार माइक टायसन फुकट गए पिक्चर ले लिए सबसे गंदा मूवी है ये इसका विजय देवरकोंडा का अभी तक अनन्या पांडे को नहीं लेना चाहिए था सबसे गलत कर दिए काम लेकिन सबसे गंदा ये लगा कि माइक टायसन को इतना वर्स दिखाया ना इतना वर्स दिखाया कि ऐसा दिखाना ही नहीं चाहिए मेरे को सबसे बेकार हुआ लगा माइक टायसन के लिए इतना गंदा चीज है कि नाम खराब कर दे माइक टायसन जितना नाम है वो पूरा नीचे ला दे तो साउथ फिल्म के लिए ये बुरी बात है क्योंकि साउथ की फिल्म है क्योंकि विजय साउथ स्टार है क्या कर सब चीज़ के लिए बुरी बात है वो अनन्या पांडे ये बॉलीवुड मूवी असली में साउथ मूवी नहीं है बॉलीवुड मूवी है ये मूवी कभी ऐसे होता ही नहीं बेस्ट मूवी बोले बॉलीवुड मूवी है इसके लिए फ्लॉप है ऐसा वन टाइम वॉच कुछ खास नहीं है विजय देवरकोंडा और रम्या कृष्णन के परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा क्या वीकनेस नजर आई क्यों आपने रखा स्टोरी लाइन में कुछ भी नहीं है और बॉक्सिंग को ऐसे दिखाया जैसे मजाक है कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आपको क्या लगा ये कि एक्सपेरिमेंट था विजय पे आपको लगा कि सीरियस काम नहीं हुआ इस फिल्म में सीरियस काम नहीं हुआ अगर विजय तो देवरकोंडा और रम्या कृष्णन को निकाल दो ना मूवी में कुछ भी नहीं है लाइक अगर विजय देवरकोंडा और रम्या कृष्णन की बात करें तो उनकी एक्टिंग गॉडली लेवल पे है लाइक दे आर द होल एंड सोल ऑफ मूवी अनन्या पांडे में एक्ट्रेस का पोटेंशियल नहीं है पोटेंशियल तो पता नहीं है लेकिन ऐसे लग रहा है कोई वर्ल्ड क्लास एक्टर के सामने कोई हाई स्कूल की बच्ची को डाल दिया है शी इज नॉट एट ऑल सूटेबल गलत कास्टिंग हुई है या गलत कास्टिंग है सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक वगैरह ठीक है हाँ ओके ओके नो नॉट स्पेशल कुछ ऐसा स्ट्रेंथ है जो अच्छा लगा आपको विजय देवरकोंडा है गॉडली लेवल एक्टिंग बॉस ही इज समथिंग एल्स या सर आप बताओ क्या कह रहे हो एक्चुअली मूवी स्टोरी लाइन नहीं था सेम थिंग बट विजय देवरकोंडा एक्टिंग वॉज गुड कमजोरी क्या फिल्म की कमजोरी कास्टिंग में थी एक्चुअली अनन्या पांडे रहना नहीं चाहिए था फिल्म में बेसिकली लाइक फिल्म वॉज वन टाइम वॉच लाइक और ऐसा क्या है जो आप कहेंगे कि सुधार होना चाहिए फिल्म के में सुधार ये होना चाहिए कि इतने बड़े मतलब माइक टायसन जैसे बॉक्सर को लेके आप उनका मजाक नहीं बना सकते ना सर मतलब एक लेवल के एंड ऑल्सो एक बॉक्सिंग पे अच्छा वर्क नहीं हुआ है बारीकी से काम नहीं हुआ है सर Thank you. Average. Huh? Average. Why average? Why not so good? The climax was not good. Why? What is the weakness? What is the hollowness? Comedy story. Huh? Comedy story? Yeah. Vijay? Not Vijay. Deverakonda action and acting is good. Anaya? Story is very weak. Anaya is weak? Simplicious. Anaya is weak?
impossible things going is possible. What about Mike Tyson? Properly used? Climax he came. The climax fight with Mike Tyson. Climax fight. Okay. He came only. So it's a one time watch or two time watch? Can you watch two time? One time watch. One time watch. It's a hit or a flop? Average. उसका एक्टिंग प्रूव्ड है ऑलरेडी. उसका एक्टिंग के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं बस. तो प्रॉब्लम क्या है? वीकनेस क्या है? स्टोरी लाइक एकदम फास्ट चलेगा बस. फास्ट चलेगा. और अनन्या पांडे रोमांस कैसा रहा? रोमांस ठीक था. अनन्या पांडे अच्छा. और बाकी माइक टायसन को लाया स्पेशल अपीयरेंस में ठीक था. अच्छा था. ऑन एन एवरेज एवरेज है. हिट है एवरेज है. वन टाइम वॉचेबल. अब ये जो बॉयकॉट जो भी हैशटैग ये सब चल रहा है ना वो सब की ज़रूरत नहीं है. वो पिक्चर अपने आप शाम तक रुक जाएगा. वो सब सबको रिलैक्स हो जाने बोलो. जो भी सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है सब रिलैक्स हो जाओ. पिक्चर अपने आप रुक जाएगा. कुछ नहीं है मूवी में. मैं हम लोग तेलुगु से टॉलीवुड फ़ैन है. हम लोग पूरी जगन्नाथ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं. वही मतलब आया था इतना सुबह उठ के ऑफिस भी छोड़ के. कुछ नहीं था. डिसअपॉइंट था. और माइक टाइसन को यूज़ किया. मुझे लगा कुछ तो अच्छा होगा. साउथ फिल्म के लिए बुरी बात है क्योंकि साउथ का ही फिल्म है. क्योंकि सुपरस्टार साउथ के ही है. वीकनेस है ये साउथ इंडस्ट्री के लिए बुरी. देखो एक्टर का काम है. उसने तो एक्टिंग तो किया. स्क्रिप्ट सिलेक्शन बुरा था. और पूरी जगन्नाथ सर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने. ये जो रूटीन था मतलब रूटीन स्टफ कुछ नया नहीं है. मतलब MMA लड़ने जा रहा है कुछ तो नया. मतलब फाइटर है. वही शॉट्स कट शॉट्स. अनप्रोफेशनल फिल्म है या मतलब कुछ नहीं है फिल्म में नया. विजय कौंडा बहुत बड़ी फैन है. बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी. बहुत अच्छी मूवी है. सॉन्ग एक नंबर है. सब लोग देखने आइएगा. मैं भी देख के आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ उनकी मूवी में. बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ. मूवी भी बहुत अच्छी है और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. मस्त दोनों मस्त है. फुल मूवी देखने आइएगा सब. मेरे को भी बहुत अच्छी लगी है ये मूवी. सब देखने आना. थैंक यू. बहुत अच्छा है. फुल हाँ यस आई एम बिग फैन. थैंक यू. हाउ वाज द मूवी? मतलब एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी गंदा था. हम लोग कुछ और सोच के कुछ और हो गया. मतलब एकदम हम लोग तेलुगु वाले एक्चुअली हम लोग साउथ. नहीं तो क्या विजय कौंडा को फिल्म नहीं करनी चाहिए थी? नहीं वैसा नहीं. इसने स्टोरी क्या सुना क्या मालूम. हीरो अच्छा है. कमजोरी क्या है? कमजोरी क्या है? स्टोरी कमजोर है. कुछ भी मतलब कुछ भी स्टोरी बने. स्टोरी की शायद कमज़ोर नहीं एग्जीक्यूशन कमज़ोर है. वो बताओ एग्जीक्यूशन कैसा किया है? एग्जीक्यूशन मतलब अभी कैसा बता सकते. स्टोरी लाइन ना कैसा भी उनका okay. बैकग्राउंड जो है नहीं दिखा है. सिर्फ एक विलेज से आते वो भी नहीं दिखा. डायरेक्ट मुंबई में आ गए. मुंबई में आ गए और उनकी मम्मी चाय भी और चाय वाले को इतना बड़ा घर बाप ने पहली बार देखा. आर्टिफिशियल है. हाँ आर्टिफिशियल ही है. चलने लायक फिल्म नहीं है. चलने लायक नहीं है. पता नहीं अभी लोगों को तो पसंद नहीं. बिग फ्लॉप.